दर्जनों हत्या, अपहरण और रंगदारी मामले में वर्षों से फरार चल रहा भोजपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी अपने साथी के साथ गिरफ्तार हो गया। विदित हो कि कोइलवर थाना क्षेत्र के सोन दियारा में कमाल उच्चक बालूघाट पर आपसी वर्चस्व को लेकर 21 जनवरी 2022 को दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कुल 28 नामजद सहित 35 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद भोजपुर SP विनय तिवारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सदर SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित कर पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसका मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार चल रहा था। रविवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कुख्यात और दर्जनों सनहे मामले का कुख्यात आरोपी विकास यादव और साथी मंजय यादव पिता शिव नारायण यादव सुरेमनपुर बहोरनपुर OP सकड्डी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ क्रम में दिनांक 30 दिसंबर 2021 को थाने क्षेत्र के कटिया के एक दुकानदार से 1,75,000 रुपया लूट के साथ दिनांक 10 जनवरी 22 को गजराजगंज OP NH 84 पर सीताकुंड छलका के पास मुफसिल थाना क्षेत्र के चंदा गांव निवासी सूरज राय के लूट के क्रम में गोली मारने सहित दर्जनों अपना आपराधिक इतिहास कबूल किया है, जबकि उसका साथी मंजय यादव भी पूर्व से ही दर्जनों संगीन मामलों का अभियुक्त रहा है। विकास और उसका साथी मंजय यादव की गिरफ्तारी से भोजपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। मिर्ची झोंक कर मोबाइल उनका और 1,73,000 रुपये लूट लिए थे। उसके बाद फिर गजराजगंज में भी घटना हुई थी 10 जनवरी को, जिसमें व्यक्ति को गोली लगी थी, उनके साथ भी लूटपाट की घटना हुई थी 24 जनवरी को छिड़ते ही। इन तीनों घटनाओं में हम लोग काम कर रहे थे। घटना के बाद लगातार टीम काम कर रही थी, एक टीम SIT से बनाई गई थी SP सदर और SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में। SIT को सफलता मिली है, घटना का उद्भेदन हो गया है, तीनों का दो अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं कुणाल और कुंदल नाम से। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो मोबाइल लूटा था वो बरामद है, जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल घटना के लिए किया गया था वो बरामद हो गई है। 73,000 रुपये लूटे हुए सामान में से 73,000 रुपये बरामद हुए। लूट के रुपये से लोगों ने पुरानी सेंट्रो कार खरीदी थी, वो सेंट्रो कार बरामद हो गई है। 5 मोबाइल भी मिले हैं। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, बाकी दोनों कांडों में रिमांड किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले कोइलवर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, वीडियो भी तथाकथित वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें दो व्यक्तियों को गोली लग गई थी, इनकी मौत हो गई थी। बालू माफियाओं के द्वारा यह घटना कारित करी जा रही है, ऐसा बताया गया था। हम लोगों ने घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया था, अपराधी इसमें निम्न तत्काल 3 अपराधियों को जेल 2 दिन के अंदर भेज दिया गया था, बाकी सबका वारंट प्राप्त हो गया है, उनकी कुर्की की कार्रवाई आगे की जा रही है। लेकिन इस सबके पीछे का जो मास्टरमाइंड था, जो मेन माफिया था, जो पिछले 1 साल से दियारा क्षेत्र में लगातार आतंक और तनाव व्याप्त था जिसकी वजह से, उसको कल गिरफ्तार किया गया, विकास यादव नाम का अपराधी, उसको जेल भेजा जा रहा है। उस पर कई संगीन मामले दर्ज, डकैती के 4 कांडों और हत्या के भी 3-4 कांडों में वो वांटेड था। उसको हम लोगों ने विशेष टीम बना के STF की मदद से पकड़ा है, पूरी टीम लगातार इसमें कार्य कर रही थी। वालू माफिया भी था और कई तरह की घटनाओं को उसने अंजाम दिया था, उसको जेल भेजा गया है और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, टीम काम कर रही है, बहुत ही जल्द हम सभी अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, विकास पर कितने केस दर्ज है लगभग? फिलहाल अभी तक जो हम लोग वांटेड है, 6 केस में तो हम लोगों के लिए वांटेड है, और जो अपराधी का इतिहास निकल के आया वो 10 केस के आसपास निकल के आया, जिसमें से कई तरह के संगीन मामले दर्ज हैं, गोली मारकर हत्या की, डकैती, हत्या, इलीगल आर्म्स में बरामदगी में पहले भी जेल गया है।